हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं खेलकूद के करंट अफेयर पिछले 6 महीने के यानी अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक के 6 महीने के करंट अफेयर खेलकूद के उन पे बेस्ड MCQ आप तक लेकर आऊंगा। ये है सेट 1, टोटल नंबर क्वेश्चन है 50 और 5 सेट बनाए हैं मैंने, टोटल क्वेश्चन है 250। अगर आपको ये सेट अच्छा लगे और आप और भी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पांचों के पांचों सेट अगले 7 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दूंगा। खेलकूद के करंट अफेयर सबसे डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा होते हैं, खिलाड़ी बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक शूटिंग टूर्नामेंट में कम से कम 10 खिलाड़ी होते हैं, 20 खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्वेश्चंस के रूप में स्पोर्ट्स करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। तो शुरू करते हैं सेट 1, इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है गौरव। StudyIQ के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप दिए हुए किसी भी अगर पेनड्राइव कोर्स को लेना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। इनमें वीडियोस के रूप में पूरा कोर्स प्रिपेयर आप कर सकते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या फिर ट्विटर पर गौरव गर्ग 888। शुरू करते हैं। भारत का कौन सा राज्य है जिसको ये परमिशन मिल गई है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, वो 29वां जो राष्ट्रीय खेल होंगे उसको होस्ट करेगा 2022 में? ये राज्य है मेघालय। मेघालय अभी अभी नई सरकार आई है कॉनराड संगमा की यहां पे। खैर, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज मुझे लगी तो मैं बता दूंगा, सिर्फ मैं खेलकूद तक अपने आप को सीमित नहीं रखता कभी भी। एक चीज आपको यहां समझनी चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं 8 टोटल, तो इनमें तीसरा राज्य बना है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, जो राष्ट्रीय खेल को नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा 2022 में। अब अगर पूछें कि इससे पहले कौन से दो हैं, असम कर चुका है और मणिपुर कर चुका है, तो मेघालय थर्ड नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और वो इसीलिए क्योंकि नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन जिसको FIH बोलते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो ना सिर्फ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बल्कि FIH के प्रेसिडेंट भी हैं नरेंद्र बत्रा। अरब प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 किसे मिला है? बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, फुटबॉल की बात हो रही है यहाँ पे, ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं जो इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है, और साथ में इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, इजिप्ट देश के लिए खेलते हैं। इनका नाम है मोहम्मद सलाह, मोहम्मद सलाह। भारत की तरफ से सबसे हाईएस्ट रैंक टेबल टेनिस खिलाड़ी दुनिया में कौन बन गया है? पूरी दुनिया में टेबल टेनिस में इनका जो नंबर है वो है 49। सवाल इस तरह से आ सकता है कि एक खिलाड़ी का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, जैसे अभी मनु भाकर बहुत न्यूज में चल रही हैं, सिर्फ 16 साल की लड़की हैं और इतने सारे गोल्ड मेडल जीत रही हैं, 2 गोल्ड मेडल अभी अभी जीते हैं। इस तरह से डायरेक्ट सवाल आता है जो खिलाड़ी न्यूज में होते हैं। इन खिलाड़ी का नाम है जी सात्यान, पूरी दुनिया में इनका स्थान है 49, और ये शरद कमल को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो भारत के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं वो हैं जी सात्यान और शरद कमल। पहले बल्लेबाज कौन बने जिन्होंने T20 के जो मैचेस हैं उनमें 3 वनडे सेंचुरी बनाई, 3 मतलब T20 सेंचुरी बनाई, T20 में 3 बनाई, इनका नाम है कॉलिन मुनरो। ये T20 में 3 सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, कॉलिन मुनरो। इन्होंने अपना जो तीसरा शतक बनाया वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। याद रखिए, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज नहीं बोलते, अब इसको बोलते हैं विंडीज, विंडीज। फुटबॉल के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? फुटबॉल में क्या होता है कि जैसे कंट्रीज में तो वो खिलाड़ी एक ही कंट्री के लिए खेलता है, लेकिन फुटबॉल क्लब जो खिलाड़ी हैं वो बदलते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे रोनाल्डो है, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे, अब वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, उन्होंने अपना क्लब बदल लिया, लेकिन कंट्री सबका सेम रहता है। तो रोनाल्डो पहले भी पुर्तगाल के खिलाड़ी थे, अब भी पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी हैं फिलिप कुटिनियो, ये इन्होंने लिवरपूल छोड़ दिया और बार्सिलोना में चले गए। अब अगर ये पूछें कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, ये तो दूसरे सबसे महंगे हैं, सबसे महंगे थे नेमार, NEYMAR, ब्राजील के खिलाड़ी हैं, और फिलिप कुटिनियो भी ब्राजील के खिलाड़ी हैं। नेमार ने बार्सिलोना को छोड़ के पेरिस सेंट जर्मैन जो क्लब है वो ज्वाइन कर लिया था PSG 2017 में। दिल्ली डेयर डेविल जो टीम है 2018 के लिए उन्होंने अपना कोच किसे बनाया है? इनका नाम है रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग, और ये रिप्लेस करेंगे पैडी अपटन और राहुल द्रविड को। पैडी अपटन और राहुल द्रविड, ये थे पहले दिल्ली डेयर डेविल के कोच, अब हैं रिकी पॉन्टिंग। सबसे पहला महाराष्ट्र ओपन, इससे पहले चेन्नई ओपन होता था जो भारत का एकमात्र ATP रैंक का टेबल टेनिस, जो टेनिस टूर्नामेंट है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस टूर्नामेंट है, अब
महाराष्ट्र के पुणे में होता है ये, और इसको पुणे ओपन नहीं बोलते, इसको महाराष्ट्र ओपन बोलते हैं। तो ये किसने जीता? मैन सिंगल टाइटल, ये जीता इस बार जिल्स सिमोन ने, जिल्स सिमोन। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना हॉकी कोच किसे बनाया है, यानी पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच कौन है? इनका नाम है हसन सरदार, और ये पाकिस्तान हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन है। इनमें से कौन सी टीम है जिसने अभी अभी अपना तीसरा हॉपमैन कप टाइटल जीता? हॉपमैन कप, बात हो रही है लॉन टेनिस की। ये इन खिलाड़ियों को पहचान गए होंगे, ये है रॉजर फेडरर, तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड की टीम ने जीता। और ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इनके साथ टीम बनाई, इनका नाम है बेलिंडा बेंचिच, बेलिंडा बेंचिच, BENCIC। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इन्होंने जर्मनी को फाइनल में हराया था। जर्मनी की एक खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजेलिक कर्बर, टेनिस खेलती हैं एंजेलिक कर्बर। इनमें से ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता? अगेन बात हो रही है यहां पे टेनिस की, लॉन टेनिस की बात हो रही है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब जीता निक किर्गियोस ने, निक किर्गियोस, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और वुमेन सिंगल जीता एलिना स्वितोलिना ने, ये यूक्रेन की खिलाड़ी है। इनमें से वुमेन सिंगल टाइटल ATP ऑकलैंड ओपन, ऑकलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर है, ये किसने जीता? महिलाओं का एकल खिताब, इनका नाम है जूलिया जॉर्जेस, और ये जर्मनी की खिलाड़ी है, जूलिया जॉर्जेस। भारत के इतिहास में पहली महिला, पहली वुमेन कौन बनी जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता स्कीइंग में? इन्होंने कांस्य पदक जीता अल्पीन एचडार 3200 कप, जो टर्की में हुआ था। इनका नाम है आंचल ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। हिमाचल प्रदेश में पूछे कहां से हैं, तो ये मनाली से हैं, मनाली से हैं ये। इनमें से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इन्होंने शेफ द मिशन 23वें विंटर ओलंपिक खेल के लिए किसे चुना था, जो प्योंगचैंग में हुए थे? प्योंगचैंग साउथ कोरिया में है, इसको प्योंगयांग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। प्योंगचैंग है साउथ कोरिया में और प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। इनका नाम है हरजिंदर सिंह। और कॉमनवेल्थ खेल के लिए शेफ डेमिशन चुना विक्रम सिंह सिसोदिया को। कॉमनवेल्थ खेल अब स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल में, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टाइटल में रजत पदक किसने जीता? ये बर्मिंगम यूके में हुआ था, इनका नाम है नील जोशी, नील जोशी। और गोल्ड किसने जीता? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम टॉड, उन्होंने गोल्ड जीता, इन्होंने ही हराया फाइनल में नील जोशी को, तो नील जोशी को संतोष करना पड़ा रजत पदक के साथ। कोलकाता ओपन 2018 इन्विटेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इनका नाम है आदित्य मेहता। एक खिलाड़ी और इंपॉर्टेंट है स्नूकर में जो बहुत आता है, वो है पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी, जो रोहतक के अंदर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी महिलाओं की, नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी किसे मिली? बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी, इनका नाम है सरजू बाला देवी, सरजू बाला देवी। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था 48 किलोग्राम कैटेगरी में। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? याद रखिए, ये फाइनेंस कमीशन नहीं है, कहीं आप 14th और 15th फाइनेंस कमीशन सोचो, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फाइनेंस कमीशन है। तो इसके जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अनिल खन्ना, अनिल खन्ना। और एक कमीशन और होता है इसमें जिसको बोलते हैं मेडिकल कमीशन, मेडिकल कमीशन के हुए हैं पवनदीप सिंह। तो क्वेश्चन आप देख के मार्क करना, फाइनेंस कमीशन के अनिल खन्ना, मेडिकल कमीशन के पवनदीप सिंह। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे मिला आईसीसी अवार्ड्स में? देखिए, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर को जो ट्रॉफी मिलती है उसको बोलते हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। गारफील्ड सोबर जो थे ये वेस्ट इंडीज के एक धुआंधार बल्लेबाज थे, तो विराट कोहली बने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर और आईसीसी वनडे कैप्टन ऑफ द ईयर। चार चार अवार्ड जीते, मैं रिपीट कर देता हूं, साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, वनडे मैचेस का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, वनडे मैचेस का सर्वश्रेष्ठ कप्तान विराट कोहली, टेस्ट मैचेस का सर्वश्रेष्ठ कप्तान विराट कोहली। सिर्फ एक अवार्ड इन्होंने नहीं जीता, वो था टेस्ट मैचेस का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो टेस्ट मैचेस का सर्वश्रेष्ठ कैप्टन तो ये थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे स्टीव स्मिथ, टेस्ट मैचेस के
स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, और स्टीव स्मिथ को इस साल एलन बॉर्डर मेडल भी मिला है। एलन बॉर्डर मेडल, एलन बॉर्डर जो थे ये भी ऑस्ट्रेलिया के एक महान बल्लेबाज थे। तो ये बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर को कौन सी ट्रॉफी मिलती है? गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला, यानी एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला हसन अली को। हसन अली, कमेंट्स में लिख के ये बताओ हसन अली कौन से देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से कौन सी टीम है जिसने प्रीमियर बैडमिंटन लीग खिताब जीत लिया, हैदराबाद में हुआ था, ये तीसरा अध्याय था, ये जीता हैदराबाद हंटर्स ने। हैदराबाद हंटर ने हराया किसे फाइनल में? बेंगलुरु ब्लास्टर्स को, बेंगलुरु ब्लास्टर को। हैदराबाद हंटर में इस बार जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थी सबसे, वो थी कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन जो है इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, पीवी सिंधु को फाइनल में इन्होंने ही हराया था, और ये स्पेन की खिलाड़ी है कैरोलिना मारिन। बेंगलुरु ब्लास्टर में जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे वो थे विक्टर एक्सेलसन। विक्टर एक्सेलसन जो है ये दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी है मेंस में। इनमें से कौन सी टीम है जिसने आठवां हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जीता, जो असम के होजई शहर में हुआ था, इस बार ये असम नहीं जीता। एट्थ हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप। खेलो इंडिया जो खेल हुए थे ये स्टार स्पोर्ट्स पे टेलीकास्ट हुए थे, और ये अंडर 17 थे, 17 साल से कम उम्र के बच्चे खेले थे इसमें, और खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा पदक जीते हरियाणा ने, याद रखिए। आपको ये बताना है इसका शुभंकर कौन था, मैस्कॉट, तो इसके दो मैस्कॉट थे, एक तो था विजय बाघ द टाइगर, विजय द टाइगर, और दूसरा जया द ब्लैक बक। ये ब्लैक बक जो है ये हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है, यानी स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, और दूसरा था विजय द टाइगर, दो थे। तो ये आंसर हो गया 1 और 2। इनमें से कौन सी टीम है जिसने 2018 का दृष्टिहीनों का जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो जीत लिया, ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में शारजा में, इसको जीता भारत ने, और भारत पहले भी चैंपियन था, अब दोबारा चैंपियन पुनर्भारत बन गया, और भारत ने हराया पाकिस्तान को फाइनल में। इनमें से कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूनियर और कैडेट गर्ल्स टाइटल दोनों जीत लिए, ये 79वां जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था। तो टेबल टेनिस के दो खिलाड़ी तो मैंने आपको बता दिए थे, जी सातियान और शरत कमल, दोनों याद रखिए। एक खिलाड़ी और याद रखिए, इनका नाम है अर्चना कामत। अर्चना कामत ने जूनियर और कैडेट गर्ल्स दोनों खिताब जीत लिए। भारत के कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं शटलर, कई बार शटलर वर्ड यूज होता है, जिन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टाइटल जीता, इन्होंने मेंस का जो एकल खिताब है स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल सीरीज, स्वीडन से वर्ड बना स्वीडिश, वो जीता 2018 में। इनका नाम है सिद्धार्थ प्रताप सिंह, साई प्रणीत, एचएस प्रणॉय, ये सब भारत के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एक और है किदंबी श्रीकांत, जिन्हें अभी अभी पद्मश्री मिला है। अमाने गोबेना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एलीट वुमेन्स कैटेगरी इन टाटा मुंबई मैराथन, ये कौन से देश की हैं? ये हैं इथोपिया की हैं। ये इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक कंट्री है, और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा जो सोलोमन डैक सीसा है, उन्होंने मेंस का खिताब जीता है, सोलोमन डैक सीसा। वुमेन्स वाला जीता अमाने गोबेना ने, और मेंस वाला जीता सोलोमन डैक सीसा ने। पहला आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड 2020 ये कहां पे खेला जाएगा? ये वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा नवंबर 2018 में। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने वर्ल्ड नंबर 2 जिनको रैंकिंग मिली है बॉयज अंडर 18 कैटेगरी ITTTF रैंकिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा जो रैंकिंग दी गई है उसमें दुनिया के नंबर 2 बॉयज कैटेगरी में खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है मानव ठक्कर। ये भी बात हो रही है टेबल टेनिस की। 63 किलोग्राम महिलाओं का जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? 33वें वुमेन सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग यानी भारतोलन की प्रतियोगिता में जो मैंगलुरु में हुई थी, इनका नाम है राखी हैदर। एक खिलाड़ी और याद रखिए, पीएम कंचन ने 90 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल, और गुरदीप सिंह ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल, और एक है चंद्रकांत माली,
चंद्रकांत माली ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में अगेन जीता गोल्ड मेडल। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल विनर हैं। कौन सी टीम ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनमें एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे इनके लिए उन्मुक्त चांद। इन्होंने फाइनल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, इस टीम ने राजस्थान को हराया फाइनल में और यह टीम है दिल्ली। कौन सी टीम है जिसने 68वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता मेंस का? इस बार चैंपियन बनी जो टीम, उसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और अगर मैं बात करूं, इंडियन रेलवेज ने जीता वुमेन्स वाला, ये तो मेन की बात हो रही है, तो मेन में जीता तमिलनाडु ने, वुमेन्स में जीता इंडियन रेलवेज ने। और इंडियन रेलवेज जो है, इन्होंने पिछले 32 सालों में 28 टाइटल जीते हैं, यानी सिर्फ 4 बार नहीं जीता है पिछले 32 सालों में, बाकी हर बार वुमेन्स कैटेगरी में जीती है इंडियन रेलवेज। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना 25वां एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीता? इन्होंने पार्टनरशिप करी जेम्स सरेतानी के साथ, इनका क्या नाम है? इनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने 1996 के जो अटलांटा ओलंपिक्स हुए थे अमेरिका में, उसमें कांस्य पदक भी जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। पहले नेपाली खिलाड़ी कौन बने जो आईपीएल में खेलेंगे? नेपाली खिलाड़ी पहले, ये दिल्ली डेयर डेविल के लिए खेलेंगे, इनका नाम है संदीप लमिच्छाने, संदीप लमिच्छाने। वुमेन सिंगल टाइटल इंडोनेशिया मास्टर्स में किसने जीता? सायना नेहवाल को हरा के फाइनल में। बात हो रही है बैडमिंटन की, ये ताइवान की खिलाड़ी है, ये जकार्ता में हुई थी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, इनका नाम है ताई जू इंग, ताई जू इंग। इन्होंने सायना नेहवाल को हराया फाइनल में। अगर पूछे मेंस का किसने जीता, इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं एंथोनी सिनिसुका जिंटिंग, ए एस जिंटिंग, इन्होंने जीता मेंस वाला खिताब। कौन सी टीम है जिसने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस को रिटेन किया है? इन्हें $1 मिलियन का अवार्ड भी मिला है, 6.5 करोड़ रुपए का, और ये कप्तान विराट कोहली ने ये मेस उठाई, तो ये टीम है इंडिया। मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल में, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर यूएस ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ है, बाकी 3 अभी तक नहीं हुए हैं। ये जीता रॉजर फेडरर ने, रॉजर फेडरर ने, ये इनका 20वां खिताब था, और इन्होंने मारिन सिलिच को हराया फाइनल में, मारिन सिलिच। वुमेन्स का खिताब जीता कैरोलिन वोजनियाकी ने, जो डेनमार्क की खिलाड़ी है। मैं रिपीट करता हूं, कैरोलिन वोजनियाकी ने जीता वुमेन सिंगल का खिताब, और बाकी डबल्स वाले पूछते नहीं है, फिर भी आप एक बार बस देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेंस और वुमेन सिंगल वाले पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये महिला है, इनका नाम है नीलम कपूर। भारत ने इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने मेडल जीते? भारत ने जीते 10 मेडल टोटल, जिनमें गोल्ड मेडल जीता एमसी मैरीकॉम ने। मैरीकॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार एशियन चैंपियन और 1 बार ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं। ये मणिपुर की हैं। पिंकी रानी और भी हैं, जैसे मनीष कौशिक हैं, लवलीना बोरगोहेन वगैरह खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सरिता देवी ने सिल्वर, शिव थापा ने ब्रॉन्ज इत्यादि। तो टोटल बस याद रखिए, हमने 10 मेडल जीते। सबसे हाईएस्ट रैंक्ड भारत के स्क्वॉश प्लेयर कौन बने प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन रैंकिंग में? ये स्क्वॉश खेल की बात हो रही है। स्क्वॉश खेल में 2 खिलाड़ी अक्सर पूछे जाते हैं, एक तो है जोशना चिनप्पा, महिला है जोशना चिनप्पा, दूसरी है दीपिका पल्लिकल, ये अक्सर रिपीट होते हैं, जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल। तो यहाँ पे लेकिन मेंस की बात हो रही है, मतलब ओवरऑल बात हो रही है, ये पता ही नहीं है कि मेन का दिया है कि वुमेन का। इनका नाम है सौरभ घोषाल, तो ये भी याद रखिए, और इनकी रैंक है वर्ल्ड में 14। किसने मेन सिंगल टाइटल जीता सीनियर टेबल टेनिस नेशनल चैंपियनशिप जो रांची में हुई, यानी कि टेबल टेनिस में हमारे नेशनल चैंपियन कौन बने? इनका नाम है शरद कमल, और शरद कमल ने 8वीं बार नेशनल चैंपियनशिप जीती है। महिलाओं में अगर पूछे नेशनल चैंपियन कौन बनी, तो उनका नाम है सुतीर्था मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी। दिल्ली फुटबॉल ने कौन से खिलाड़ी को ऑनर करने के लिए, उनका जो बर्थडे है 3 अगस्त को, उसको दिल्ली का फुटबॉल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ये खिलाड़ी हैं सुनील छत्री, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छत्री। सबसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम इंदिरा गांधी स्टेडियम में किसने उसका उद्घाटन किया? इनका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु को हरा के किसने खिताब जीता वुमेन सिंगल्स का? यह खिताब जीता बीविन जांग ने। बीविन जांग अमेरिका की खिलाड़ी है, इन्हें आप फोटो में यहां देख सकते हैं। और मैन सिंगल जीता शी यूकी ने, जो चाइना की खिलाड़ी है, डबल्स वाले एग्जाम में नहीं आते हैं। मैन सिंगल जीता शी यूकी ने और वुमेन सिंगल जीता बीविन जांग ने। कौन से भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेबैंक चैंपियनशिप जीती मलेशिया में? इनका नाम है शुभांकर शर्मा। कौन सी टीम है जिसने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया? ये न्यूजीलैंड में हुआ था और इसमें जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे मनजोत कालरा। मनजोत कालरा और भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो थे पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ, तो ये भारत ने जीती। कौन सा कंट्री है जिसने गोल्ड ट्रॉफी जीती फोर्थ इंटरनेशनल यंग शेफ ओलंपियाड 2018 जो इंडिया में हुआ था? ये जीती मलेशिया ने। मलेशिया ने जीती और भारत ने जीती सिल्वर ट्रॉफी। कौन सी टीम है जिसने आठवां हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप बी डिवीजन जीत लिया जो रांची में हुआ था? इसको इस बार जीता सीआरपीएफ ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने। और अगर मैं बात करूं सीनियर वुमेन ए, ये तो ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, अगर ए डिवीजन पूछ लें तो किसने जीता? ये जीता आरएसपीबी ने। आरएसपीबी क्या होता है? रेलवेज स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। रेलवेज स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है जिन्होंने 200 विकेट लिए वनडे मैचेस में? इनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी, इन्होंने अपना जो 200वां विकेट लिया वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिया। कौन सा कंट्री है जिसने अनाउंस करा है कि उन्होंने एक नया एथलेटिक्स वर्ल्ड कप इवेंट आयोजित करेगा जिसमें 8 टॉप कंट्रीज हिस्सा लेंगे? ये होगा लंदन में, ये अनाउंस करा है यूके ने। ये पार्टिसिपेंट कौन होंगे 8 कंट्रीज में? इसमें यूएस होगा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, जमैका, जमैका के खिलाड़ी थे उसेन बोल्ट, साउथ अफ्रीका, पोलैंड और यूके, ये हैं इसमें 8 देश। कौन सा राज्य है जिसने पदक तालिका में नंबर 1 स्थान हासिल किया खेलो इंडिया में? सबसे ज्यादा गेम्स मेडल किसने जीते खेलो इंडिया में? सबसे ज्यादा जीते हरियाणा ने। हरियाणा ने 38 गोल्ड मेडल जीते। दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे था दिल्ली। अगर टोटल मेडल की बात करें तो महाराष्ट्र ने जीते 110 मेडल, दिल्ली ने जीते 94 मेडल। अगर पूछें कि खेलो इंडिया में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था तो आंसर है अनु कुमार। अनु कुमार ने 1500 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था, यह खेलो इंडिया का पहला गोल्ड था। दुनिया का पहला स्की टूर्नामेंट रोबोट के लिए कहां पे आयोजित हुआ? यह हुआ प्योंगचैंग में, जहां पे विंटर ओलंपिक हुए थे, साउथ कोरिया में। तो यह था भाग एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर का। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं बाकी भी पार्ट बनाऊंगा इसके। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो ये बताइए सुतीर्था मुखर्जी कौन सा खेल खेलती हैं, कमेंट्स में लिख के बताइए सुतीर्था मुखर्जी कौन सा खेल खेलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।